हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएसटी स्टूडेंट। अभी मैंने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी है फॉर सीएसआईआर नेट एग्जाम और गेट एग्जाम। अगर स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका लाइफ साइंस है, मैथ्स है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप नेट की तैयारी करें तो उसका जो कॉमन पेपर होता है फर्स्ट, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ पे जो IT12 यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर इस टॉपिक पे पूछे गए, जो नंबर न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड है उसके ऊपर जो पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर वन, और ये सीएसआईआर ने जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो 2019 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, और क्वेश्चन ये, द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप राइट ऑल द पेज नंबर ऑफ द बुक स्टार्टिंग फ्रॉम वन, मतलब एक नंबर से लेके एक बुक के सभी पेज को अपने को टाइप करना है, राइट, टाइप करना है, समझना मेरी बात को, है ना। वन है तो वन टाइप करना है, टू तो टू टाइप करना है, थ्री है तो थ्री टाइप करना है, और नाइन तक तो नाइन टाइप करेंगे, फिर इलेवन में वन वन टाइप करेंगे, 12 में 12 टाइप करेंगे, तो 12 मतलब दो डिजिट टाइप करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे हमने टोटल यहां पे कितने डिजिट टाइप किए, 2019 डिजिट टाइप किए, है ना, ये बोल रहा है यहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2019, है ना, टाइप किए हमने, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन द इन दैट बुक, मतलब 2019 हमने नंबर टाइप किए हैं, आपको ये पता लगाना है कि उस बुक के पेज कितने हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएसआईआर नेट में, राइट। तो देखो कैसे करेंगे ना, 609 610 709 710। तो स्टूडेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पहुंचना, समझ में आएगा, राइट। स्टूडेंट बात करेंगे 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक एक डिजिट टाइप होगा हर पेज पे, राइट, है ना, मतलब इधर जो भी पेज होंगे उस सबसे अपन 1-1 डिजिट टाइप करेंगे, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने पेज होंगे यहाँ पे, 9 पेज होंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे स्टूडेंट, 10 से लेके 99 तक हमारे पास कितने पेज होंगे स्टूडेंट, कितने पेज होंगे, 90 पेज होंगे, है ना। अरे भाई 9 तो यहाँ हो गया और ये 99 है, तो 9 99 में से माइनस करेंगे तो 90 पेज, है ना। अब 90 पेज है पर स्टूडेंट हर एक में दो दो डिजिट हो रहे, कितने, एक दो दो डिजिट टाइप हो रहे, तो इंटू टू, तो स्टूडेंट हमारे पास कितने होंगे, 180 डिजिट्स टाइप होंगे, है ना। 10 से लेके 99 तक 180 डिजिट टाइप होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 99 तक हम कितने डिजिट टाइप कर रहे हैं, टोटल 189 डिजिट टाइप कर रहे हैं अप टू 1 से लेके 99 तक, ये समझने की जरूरत कर लीजिए आप, है ना, 189 डिजिट टाइप कर रहे हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं, पर हमें तो 2019 डिजिट टाइप करने हैं, राइट, बोला है आप, है ना, द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप, है ना, ठीक है, 2019, तो भैया 189 अभी और आगे टाइप करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 100 से लेके कहां तक चले, हम 999 तक मान के चल लेते हैं, 999 तक चलते हैं, ये 3 डिजिट दिखाएगा। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 से लेके 999 तक हमारे पास टोटल 900 आएंगे, कितने आएंगे, 900 आएंगे, और हर एक में तीन तीन डिजिट है, तो 900 × 10 तो 2700 हो जाएंगे, तो यार 2700 तो इससे ज्यादा हो गया, तो मतलब 999 से कुछ कम है, और वैसे भी ऑप्शन में हमारे पास कम ही आ रहा है। अब वो हमें पता नहीं क्या है, पर स्टूडेंट जो भी है उसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, है ना, कितने मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई होंगे, मुझे मालूम नहीं कितने हैं वो, मान लीजिए वो डैश तक हम जा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता है कितने, पर जो भी होंगे मान लीजिए वो y है, टोटल कितने हैं, ये y है, तो स्टूडेंट यहां पे कितने मल्टीप्लाई आएंगे, 3y मल्टीप्लाई होंगे, क्लियर है। ऑब्वियसली जो भी नंबर आएंगे उससे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, कितने ऑब्वियसली 3 से आ रहा है, 3 डिजिट है ना। अब एक इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, तो हमारे पास कितने हो रहे, 1 से लेके 9 तक तो 9 हो रहे हैं, एंड देन 10 से 99 180 हो रहे हैं, एंड देन रिमेनिंग जो हो रहे हैं मान लीजिए 3y, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 2019 है, बोलो जी सही, इसमें 189 उधर जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2019 माइनस 189, क्लियर है। सो 3y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, 18, एंड इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 30, क्लियर है, आई थिंक यही आना चाहिए, यस यही आएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा, 1830 / 3, सो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 610। तो स्टूडेंट हमारे पास कितने पेज आएंगे, टोटल 610 पेज आएंगे, 3 डिजिट के कितने पेज आएंगे, 610 आएंगे, है ना। पर हमें तो टोटल पेज निकालने की, टोटल पेज कितने, तो ध्यान दीजिए हमें 610 पेज मिल गए, मतलब ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं टोटल 610 पेज, क्लियर है, है ना। और स्टूडेंट यहां से यहां तक 1 से लेके 99 तक हमारे पास कितने पेज है, कितने पेज है, 99 पेज है ना, अरे 99 ही है ना, यहां से यहां तक 99, और 3 डिजिट के हमारे पास कितने पेज है,
610 से अभी हमने निकाला 610, तो स्टूडेंट को एस को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 709 आएगा, तो सी ऑप्शन यहां पे क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 square minus 2 square 3 square minus 4 square, ऐसा सबकी वैल्यू पूछी जा रही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है। 1 square स्टूडेंट ये इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 square minus 2 square लिख सकते हैं इसको, है ना, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 5 square minus 4 square, राइट, प्लस इस तरह से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 19 square minus 18 square, क्लियर है स्टूडेंट। हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 square स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 minus 2 into 3 plus 2 स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 minus 4 into 5 plus 4, क्लियर है ना। इसी टाइप से स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 19 minus 18 into 19 plus 18, पर स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, देखो ये 1 आएगा डिफरेंस, तो हटा दो आप, अब बचा कितना 1 square तो 1 ही होता है स्टूडेंट, ये है इसको मैं पहले 2 लिख देता हूँ फिर बाद में 3 लिख देता हूँ, चलेगा स्टूडेंट, ये 5 और 4 है तो स्टूडेंट 4 पहले लिख दूँ 5 बाद में लिख दूँ, चलेगा। तो इस तरह से हमारे पास नंबर आते जाएंगे और स्टूडेंट ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 18 plus 19, तो हमारे पास टोटल 19 नंबर्स हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल n नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास उनका जो सम होता है हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, राइट, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैसे भी एक तरीका और हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप पेयर बना सकते हैं, पेयर बना के भी आप कर सकते हो, है ना, या फिर एक तरीका और ये भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है 19 है, तो 19 into 19 plus 1/2, तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 19 और ये आएगा 20/2, है ना, 19 20 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 10, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 190 इज द आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 plus 3 plus 5 plus 7 4033 plus 7983 plus 2017, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ये ओड टर्म का सम है ना, तो ऑड टर्म का सम जो होता है हमेशा याद रखिए 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus, ऐसे अगर हमारे पास टोटल कितनी एन टर्म हो तो इसका जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। अब आप बोलोगे सर आपको सपना आ रहा है क्या, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे, है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 plus 3 plus 5 plus 7, जैसे मैं 4 टर्म का सम निकालो, तो स्टूडेंट ये 4 है तो 4 तो इसका सम कितना आएगा 16 आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, है ना, चेक कर लो, 3 और 1 4 5 और 4 9 और 7 16, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये हमेशा ऐसा होता है, 5 होगा, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, अगर आप इसका सम करोगे तो 25 आएगा, है ना, आप करके देख लीजिए 25 आएगा, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर 25 आएगा, ठीक है समझ में आ गया, पर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ 5 टर्म है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए 10, डिवाइडेड बाई 2 करिए, उतनी टर्म होगी यहाँ पे, 5 टर्म होगी, क्लियर है। जैसे यहाँ से इसको जोड़ के आधा कर दीजिए कितना रहा 8, 8 को 2 से डिवाइड करिए कितनी टर्म होगी 4 टर्म होगी, तो ऐसे ही आप इसको चेक कर लीजिए, इसको इससे ऐड करिए तो स्टूडेंट आएगा 4034, और इसको आधा कर दीजिए, जब आप इसको आधा करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 2017, मतलब टोटल 2017 टर्म होगी यहाँ पे, तो इसका जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये आएगा इसका सम आएगा 2017 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे टोटल 2017 टर्म है तो एन स्क्वायर, ओड टर्म का सम एन स्क्वायर आएगा, राइट, प्लस ये कितना आएगा 7983 into 2017, क्लियर है। इसमें ये 2017 को आप कॉमन निकाल दीजिए यहाँ पे, राइट, तो यहाँ बचेगा ये 2017 प्लस यहाँ बचेगा ये 7983, और इसको आप ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये आएगा 2017, और स्टूडेंट आप ऐड करोगे तो ये 7983 है, 2017 10,000 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, राइट, तो 10,000 आ जाएगा यहाँ पे, तो स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2017, और पीछे 40 लगा दीजिए, क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आएगा, सो ई ऑप्शन इज करेक्ट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 CSIR नेट जून 2015 में पूछा गया, अ इनफाइनाइट रो ऑफ बॉक्सेस इज अरेंज्ड, ईच बॉक्स हैज हाफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस बॉक्स, हर बॉक्स जो है पहले वाले बॉक्स से आधा वॉल्यूम रखता है, इफ द लार्जेस्ट बॉक्स हैज 20 cc वॉल्यूम, स्टूडेंट पहले वाला जो है वो 20 cm³ है, राइट, इतना वॉल्यूम है ना, देन व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑल बॉक्स। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, पहला बॉक्स है उसका 20 वॉल्यूम है, तो दूसरा वाला बॉक्स का कितना आएगा 20, आधा हो जाएगा, बोल रहा हाफ वॉल्यूम है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वाले का कितना होगा, इसका आधा,
तो ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फिर इसका आधा, तो इसका वापस आधा करेंगे तो 1/2 और करेंगे तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, बोल रहा आगे चलता रहेगा, है ना। ठीक है, टोटल क्या इनफाइनाइट रोज है ना, ऐसे इनफाइनाइट रोज बॉक्सेस का है ना। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑल बॉक्सेस, आपको सबका वॉल्यूम निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 को कॉमन निकाल दीजिए आप यहाँ पे, ये आएगा 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा स्टूडेंट, ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। और हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब भी होता है तब इसका जो सम होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1 + r + r² इस टाइप की जो भी सीरीज होती है उसका सम होता है 1/(1 - r), राइट। ये इसका सम होता है, तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 20। स्टूडेंट यहाँ पे जो r है वो कितना है 1/2 है, तो ये आएगा 1/(1 - 1/2), सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पे, है ना, ये 1 है 1 - 1/2, राइट। तो इसमें आएगा 20, और यहाँ पे नीचे 1/(1 - 2) बच गया आपके पास, तो इसमें ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो 40 सीसी का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, राइट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में पूछा गया, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विथ वन ऑफ देम इज मिसिंग इज 42। आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, पता नहीं कितना है, पर उसका जो सम है वो 42 है, देन व्हाट इज द नंबर दैट वाज मिस्ड। आपसे पता लगाना है कि मतलब एक नंबर मिस हो गया है, उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो सम आ रहा है वो 42 आ रहा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, राइट। तो वो नंबर मिस हुआ वो कौन सा है, तो स्टूडेंट अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं 1, 2, तो 3 होगा इसका सम, एक और ऐड कर लेते हैं, कितना है 6, एक और ऐड करते 6 और 4 = 10, एक और ऐड करते 5 = 15, एक और ऐड करते 15 और 6 = 21, एक और ऐड करते 21 और 7 कितना होता है, 21 और 7 = 28, 28 में 8 ऐड करते 36, 36 में 9 ऐड करते स्टूडेंट 45, है ना। टोटल हमारे पास जो सम होता है वो कितना रहा, 45 हो रहा, पर ये बोल रहा है कि एक नंबर मिसिंग हो गया उसकी वजह से 42 हो गया। तो भैया तीन, मतलब 45 है 42 हो रहा है, मतलब तीन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा मिसिंग हुआ, 3 मिसिंग हुआ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 इज द आंसर। अभी समझ में आने वाली बात है, राइट। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे, 9 तक ही जाएगा ना, आप ऐड करके देख 45 तो आप ऐड कर सकते हो, 1 + 2 = 3 होता है ना, 1 + 2 + 3 कितना होता है हमारे पास, 6 होता है, 4 और ऐड कर दोगे तो 10 हो जाएगा, 5 और ऐड कर दो 15 हो जाएगा, 6 और ऐड कर दो 21 हो जाएगा, 7 ऐड कर दो 28 हो जाएगा, 8 ऐड कर देंगे 36 हो जाएगा, 9 ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। बोल रहा तैयार 42 ही है, 3 का हमारा मतलब 3 मिसिंग है, खत्म बात, है ना, इस तरीके से करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी टाइम अ बॉल फॉल्स टू ग्राउंड इट बाउंस बैक टू हाफ द हाइट इट फॉल्स फ्रॉम। स्टूडेंट एक जो बॉल है वो जब भी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो अपने हाफ हाइट पे वापस जाती है, राइट, आधी हाइट पे जाती है ना, हाफ द हाइट इट फॉल्स फ्रॉम। ओके, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ 1024 द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू विच इट कैन राइज आफ्टर द 10th बाउंस। तो आपको पता लगना है 10वें नंबर पे जो बाउंस होगा उस पर उसकी हाइट कितनी होगी। तो स्टूडेंट हर बार वो क्या कर रहा है, आधे पे जा रहा है ना। Every time a ball falls to the ground, it bounces back to the half the height it falls from. जहाँ से वो गिरा है उसके आधी हाइट पे हो जाएगा, राइट। तो इसमें देखो मेरी बात सुनो, है ना, फर्स्ट में क्या होगा, जब फर्स्ट में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, आधी पे जाएगा वापस बाउंस बैक करेगा। इसमें सेकेंड में जाएगा तो क्या होगा, वापस आधा हो जाएगा इसका, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर मैं बात करूँ थर्ड में, तो थर्ड में क्या होगा स्टूडेंट, वापस 1/2 का क्यूब, इसका आधा हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे तो 1/2 फॉर जब 10th बाउंस होगा तो कितना आएगा, 1/2 - 10 हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, 1024 अपॉन 2 - 10, और 2 - 10 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1024 अपॉन, ये भी 1024 हो जाता है, और स्टूडेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट होगा, है ना। तो ये बोला 10th बाउंस पे वो कितना जाएगा, तो 10th बाउंस पे वो 1 cm जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो प्रीवियस वीडियोस में ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे और बोला था कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, राइट। ऐसे हम मैं हर बार करूंगा, जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो होगा उसके क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसमें देखिए इन एन पॉजिटिव इंटीजर देन एन इंटू एन प्लस वन, दिस आपको दे रखा है 6 तक, है ना, ये अपने पास कंटिन्यूस 7 नंबर का प्रोडक्ट है ना, इज डिविजिबल बाय, स्टूडेंट कंटिन्यूस 7 नंबर का प्रोडक्ट है ना, तो उसमें 3 का मल्टीपल भी आएगा और 7 का मल्टीपल भी आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, 3 और 7 दोनों से क्या होगा, ये डिविजिबल आएगा, अरे कंटिन्यूस 7 नंबर है भाई, तो उसमें 3 का मल्टीपल भी होगा और 7 का मल्टीपल भी होगा, भाई 5 का भी होगा, 6 का, सबका होगा। तो अपने को तो पूछ रहा है 3 और 7 का, तो भाई ये दोनों से डिविजिबल है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, विच इज द ओड वन आउट बेस्ट ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में इसमें कौन सा ओड वन आउट है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है, आप किसी एक नंबर को पकड़ लीजिए,
तो यहाँ पे 11 का जो डिविजिबिलिटी वाला रूल लग रहा है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, जो इवन नंबर के प्लेसेस के प्लेसेस पे जो नंबर्स है और ओड नंबर के जो प्लेसेस के जो नंबर है उनका जो सम है, उसका जो मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो 11 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोलूँ इन दोनों को ऐड करिए कितना आ रहा, 5, और 5 को 5 से माइनस करेंगे 0, 0 11 से डिविजिबल है। स्टूडेंट ये देखिए 2 और 6 है ना ऑड प्लेसेस पे, ठीक है ना, और इसको 8 माइनस 8 गया 0, डिविजिबल है। 3 और 3 6 डिविजिबल है। 4 और 4 8, स्टूडेंट ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 8 में से 7 गया तो मतलब ये वाला नहीं हो रहा है, राइट। तो ये वाला मैं थोड़ा सा आपको अलग कलर में समझा देता हूँ ताकि आपको पता पड़ेगा कि गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है ना। स्टूडेंट इसको देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए आप, 5 और 7 बिल्कुल हो रहा है, 6 और 8 बिल्कुल हो रहा है, तो 474 इज द राइट आंसर, कि ये जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप 11 से डिवाइड करके भी देख लीजिए, डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे, सो हाँ कब होगा 11 से डिविजिबल, जब ये 484 हो जाए, है ना। अब देखो आप करके देख लो, आप 11 से डिवाइड कर दो इसको, 484 को 11 से डिवाइड कर दो, देखो हो जाएगा, करोगे आप कितना आएगा देखो, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना, फिर 444 है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये 7 इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। स्टूडेंट यहाँ पे ये सम दे रहा है, वही सेम कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया उस टाइप के क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये आपके CSIR नेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, और ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया। तो इनका जो आंसर स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आप तैयारी कर रहे हो और इस टाइप की वीडियोज आप कंटिन्यू चाहते हैं, प्लीज़ आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सो दैट कि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे लास्ट में दिख रहे हैं वीडियोस, ये मेरा CSIR नेट की पूरी प्लेलिस्ट है। स्टूडेंट ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये मेरे BSc इंजीनियरिंग, MSc से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ, और लास्ट में कमेंट ज़रूर करिए, उस आंसर ज़रूर दीजिए, है ना। अगर आप आंसर देते हैं इट मीन्स इट शोज दैट कि हाँ आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है जी। चलो धन्यवाद, बाय बाय।